नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल एजुकेशन बूस्ट ऑफ दिल्ली पर। दोस्तों, आज से मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया हूं आप लोगों के लिए। रिवीजन करवाऊंगा, चार सेट लाऊंगा, चार से पांच तकरीबन मॉडल प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में तकरीबन 75 से 100 क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये 75 से 100 क्वेश्चन रहता है, तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पर अगर हम 30 सेकेंड भी टाइम देते हैं तो लगभग वीडियो आधे घंटे 25 से 30 मिनट का बन जाता है। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, इसके लिए कृपया पेशेंस रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही अगले वीक में जो भी है एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही करीब है। तो इसलिए मैं अब रिवीजन करवाना शुरू किया हूं आप लोगों के लिए, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल रहेगा। अगर मान लीजिए पिछले वीडियो अगर आप नहीं भी देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा इधर क्वेश्चन जो हम बताएंगे, ठीक है। इसलिए डाउट क्लियर करने के लिए पिछला वीडियो अवश्य देखें। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, इसमें अब मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊँगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं थोड़ा एक मेरा मोटिवेशन लेवल अप होता है, जिससे मैं और अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। देखिए, अभी वेपन कसरी वेपन ट्रेनिंग का जो है ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। जितने भी वेपन से रिलेटेड क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो आपको मान लीजिए इंसास राइफल, LMG, मोटर, ठीक है, इसमें SMG का नहीं डाला हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अगले सीरीज में मैं SMG का डाल दूंगा। इसमें ग्रेनेड, रिफिलर सब है, ठीक है। SMG का थोड़ा ये मतलब डाटा मेरे को इकट्ठा करूँगा और फिर अगले सीरीज में डालूंगा। हर एक टॉपिक कवर करूँगा आपके लिए, और ये रिविजन सीरीज है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से सुनिए, और ये पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, हिंदी में टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में बनाया हूँ इस सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द मजल वेलोसिटी ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी कितना होता है? तो होता है 900 मीटर पर सेकेंड। जो लाल में है वो इसका आंसर है, आपको समझ होना चाहिए, लाल में आएगा जो आंसर है वो। व्हाट इज़ द साइटिंग रेडियस ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल का साइटिंग रेडियस कितना होता है? 470 mm, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल का इफेक्टिव रेंज कितना होता है? 400 मीटर। इंसास राइफल का इफेक्टिव रेंज 400 मीटर। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ गैस रेगुलेटर। इंसास राइफल में जो गैस रेगुलेटर होता है उसका कितना पोजिशन होता है? उसका 2 पोजिशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द साइक्लिक रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना होता है? वो होता है 600 से 650 राउंड पर मिनट, ठीक है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड पर मिनट होता है, साइक्लिक रेट ऑफ फायर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनेशन फायर्ड बाय इंसास राइफल। इंसास राइफल से कितने प्रकार के एमिनेशन फायर किया जाता है? 6 प्रकार के एमिनेशन फायर किया जाता है। कितने प्रकार किया जाता है? 6 प्रकार का किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए इंसास राइफल में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंसास राइफल का जो फायरिंग पिन है, फायरिंग पिन ऑफ इंसास राइफल किस टाइप का होता है? तो होता है फ्लोटिंग टाइप का। फ्लोटिंग मतलब क्या? एक फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? फ्लो होता है ना, फ्लो, जस्ट लाइक फ्लो, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। मतलब वाइब्रेट करता है, आगे पीछे अपने आप होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप। तो इंसास राइफल का फायरिंग पिन फ्लोटिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, व्हाट इज़ द कैजुअलिटी एरिया ऑफ इंसास राइफल ग्रनेड। इंसास राइफल ग्रनेड का कैजुअलिटी एरिया कितना होता है? कैजुअलिटी मतलब क्या हो गया? खतरनाक इलाका। खतरनाक कितना हो जाएगा? 250 मीटर। कितना होगा? 250 मीटर ऑल राउंड। सेम जो है, मान लीजिए जो ग्रनेड का कैजुअलिटी एरिया होता है, वही इंसास राइफल के ग्रनेड का भी कैजुअलिटी एरिया होगा, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा और 250 मीटर होगा ऑलराउंड कैजुअलिटी एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन इंसास राइफल इज जीरोड फ्रॉम 100 मीटर देन द बुलेट विल हिट ऑन द एट द पॉइंट। मान लीजिए इंसास राइफल को अगर 100 मीटर से जीरोइंग करते हैं तो बुलेट कहाँ पर हिट करेगा? वो हिट करेगा 2 इंच अबव फ्रॉम पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम से 2 इंच ऊपर, और डाया ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर। मान लीजिए ये है पॉइंट ऑफ एम है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ एम से 2 मीटर ऊपर हिट करेगा। अगर 100 मीटर, अगर राइफल जीरो है तो 2 इंच ऊपर और 10 सेमी के डाया में हिट करेगा। इसमें जब आप देखे होंगे टारगेट पर ऐसे ही डाया बना रहा था, ऐसे डाया, तो 10 सेमी के अंदर पॉइंट ऑफ एम से क्या होगा? 2 इंच ऊपर होगा जब 100 मीटर से जीरोइंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ राइफल एम।
इन सास राइफल का रिकॉयल एनर्जी कितना होता है? 4.43 जूल। रिकॉयल एनर्जी मतलब हो गया पीछे जो धक्का मारता है उसी को बोलते हैं रिकॉयल एनर्जी, ठीक है। तो रिकॉयल एनर्जी होता है 4.43 जूल। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन एमिनेशन ऑथराइज विथ इन सास राइफल? इन सास राइफल के साथ फर्स्ट लाइन एमिनेशन कितना होता है? तो वो होता है 450 राउंड। 300 होता है वन वेपन और 150 होता है यूनिट रिजर्व। हाउ मच मैक्सिमम करेक्शन कैन बी गिवन इन द बैक साइड ऑफ इंसास राइफल? इंसास राइफल के बैक साइड में मैक्सिमम करेक्शन कितना दिया जा सकता है? तो 48 इंच तक ही दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 48 इंच तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 इंच करेक्शन दिया जाता है किसमें? बैक साइड में, इंसास राइफल के बैक साइड में 48 इंच तक ही करेक्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास एलएमजी? अभी एलएमजी का डाटा शुरू हो गया है। एलएमजी का जो है मैगजीन कैपेसिटी होता है 20 राउंड। कितना होता है? व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास एलएमजी? इसमें 20 राउंड नहीं होगा, ठीक है। इंसास एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी कितना होता है वो बताइए आप। यहाँ पे रॉन्ग पे लग गया है। इंसास एलएमजी का जो है ना मैगजीन कैपेसिटी कितना राउंड का होता है? 30 राउंड का। कितना होता है? 30 राउंड का, ध्यान रखिएगा। ये रॉन्ग जो है लाल हो गया था, इसमें 30 राउंड होगा मैगजीन कैपेसिटी। इंसास एलएमजी का मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड में होता है, मतलब इंसास एलएमजी के मैगजीन में 30 राउंड आता है। इंसास एलएमजी वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? इंसास एलएमजी किस सिद्धांत पे काम करता है? वो करता है लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेशन सिस्टम पे। किस पे करता है? लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेशन सिस्टम पे काम करता है। इंसास एलएमजी लॉन्ग स्ट्रोक गैस ऑपरेशन सिस्टम पे काम करता है। मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास एलएमजी? इंसास एलएमजी का मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज कितना होता है? वो होता है 700 मीटर, मतलब इंसास एलएमजी का कारगर रेंज होता है 700 मीटर। देखिए, व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ इंसास एलएमजी? इंसास एलएमजी का जो कैलिबर कितना होता है? अरे इंसास राइफल और एलएमजी दोनों का कैलिबर 5.56 mm ही होता है। कितना होता है? 5.56 mm। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द इंसास एलएमजी? इंसास एलएमजी में कितना ग्रुप्स होता है? 6 होता है, राइफल में भी 6 होता है। मैकेनिज्म ऑफ इंसास एलएमजी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? इंसास एलएमजी का मैकेनिज्म मतलब चाल, मैकेनिज्म मतलब हो गया चाल। इंसास एलएमजी का चाल कितने हिस्सों में पूरा होता है? वो होता है 8 हिस्सों में। हाउ मच ऑन वेपन एमिनेशन जो थ्राइज भी था इंसास एलएमजी जो है ऑन वेपन जो है ऑन वेपन यहाँ पूछ रहा है, देख रहे हैं। हाउ मच ऑन वेपन? ऑन वेपन इंसास एलएमजी पे कितना एमिनेशन उथराज है? ऑन वेपन है 1500 राउंड, यूनिट रिजर्व होता है 750 राउंड। कुल मिला के हो जाता है 2250 फर्स्ट राउंड। ऑन वेपन है 1500 राउंड इंसास एलएमजी पे। व्हिच टाइप ऑफ इंसास एलएमजी फोर साइड टिप? इंसास एलएमजी का जो है फोर साइड टिप किस टाइप का होता है? तो वो होता है पोल टाइप का। किस टाइप का होता है? पोल टाइप का होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ डे लाइट साइड प्रोवाइडेड विथ एलएमजी? जो एलएमजी के साथ जो है डे लाइट साइड दिया जाता है डीएलटी साइड, उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है? वो होता है 9 डिग्री। कितना होता है? 9 डिग्री। फील्ड ऑफ व्यू आपको क्या होता है अब उतना अभी बताने का टाइम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए। थ्योरी के लिए आप थ्योरी पे जाइए। फ्लैश हाइडर ऑफ इंसास एलएमजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एफएन फाल। जो फ्लैश हाइडर है, देखिए एक इंसास एलएमजी का जो सीरीज आया है वो फाल सीरीज भी आया है, तो वो एफएन फाल राइफल में जो है ना फ्लैश एलिमिटर हाइड रहता है, ठीक है। फ्लैश हाइडर जो है इंसास एलएमजी में जो है फाल वाले में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुई अभी पिस्टल का गया है, पिस्टल आ गया है आपको फटाफट, मैं सोच रहा हूँ कम टाइम में जो है आपको पूरा रिवीजन करवा दूँ। पिस्टल में है व्हिच टाइप्स ऑफ वेपन्स पिस्टल इज? पिस्टल किस टाइप का हथियार है? वो है तो सेमी ऑटोमेटिक। क्या है? सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हथियार होता है, ठीक है। पिस्टल जो हथियार होता है वो सेमी ऑटोमेटिक होता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पिस्टल? पिस्टल की लंबाई कितना है? 7.8 इंच। कितना है? 7.8 इंच। पिस्टल की लंबाई 7.8 इंच। पिस्टल वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल? शॉर्ट रिकॉयल सिस्टम पे काम करता है। पिस्टल किस सिस्टम पे काम करता है? शॉर्ट रिकॉयल सिस्टम पे, ठीक है। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल? मजल वेलोसिटी का पिस्टल जो होता है वो 1200 फीट पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 1200 फीट पर सेकेंड। पिस्टल का मजल वेलोसिटी 1200 फीट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीच ऑफ 9 mm पिस्टल? 9 mm पिस्टल का जो है पीच कितना होता है? वो होता है 10 इंच इन 1 टर्न। जो पीच होता है ना वो बैरल में होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पीच होता है बैरल में।
अब देखते हैं ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप को जो चौराई होता है उसी को पिच बोलते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार घूमता है। अब वो टेक्निकल भाषा वो होता है, ठीक है, आपको कितना ये इस प्रकार जो घूमता है ना इस प्रकार बैरल में, तो ये एक से दूसरे के बीच जो दूरी होता है नहीं होता है पिच, ठीक है। अभी देखिए व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी, अपना मैगजीन कैपेसिटी कितना होता है, मैगजीन कैपेसिटी 13 राउंड होता है, कितना होता है 13 राउंड होता है, मैगजीन कैपेसिटी 13 राउंड होता है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ पिस्टल, पिस्टल का इफेक्टिव रेंज कितना है, 20 गज है, यहाँ गज में दिया है तो आप गज में आंसर मारिए, 20 गज होता है, ठीक है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पिस्टल, पिस्टल में कितना ग्रुप जो होता है, 6 ग्रुप जो होता है, देखिए राइफल LMG पिस्टल सब में 6 ग्रुप जो। जीरोइंग ऑफ पिस्टल इज डन फ्रॉम हुच डिस्टेंस, जो पिस्टल का जीरोइंग किया जाता है वो कितने डिस्टेंस से किया जाता है, वो दूसरी बात, पिस्टल का डिस्टेंस जो पिस्टल का जीरोइंग नहीं किया जाता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। जीरोइंग ऑफ पिस्टल इज डन फ्रॉम हुच डिस्टेंस, पिस्टल का जीरोइंग नहीं किया जाता है। इन हुच ईयर पिस्टल ब्राउनिंग इज प्रिपेयर्ड, जो है पिस्टल जो अपने BSF में कौन सा पिस्टल है, वो 9mm ब्राउनिंग पिस्टल है, ठीक है। पिस्टल का भी बहुत बड़ा बहुत सारे क्वालिटी हैं, ठीक है, तो ब्राउनिंग पिस्टल है, ब्राउनिंग पिस्टल जो है 1925 में बनाया गया है, ठीक है, ये है आंसर, ये सही। नेक्स्ट है अभी 51 मोटर कहा गया है, 51 मोटर कहा गया है, सोच रहा हूँ कम टाइम में आपको पूरा रिविजन कर दूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइट प्रोवाइडेड विथ 51 मोटर, 51 मोटर के साथ जो साइट दिया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका भाई साहब नाम है यहाँ पे साइट 51 मोटर 102A, क्या है साइट 51 MM मोटर 102A। व्हाट इज़ द मजर वेलोसिटी ऑफ 51 मोटर, 51 मोटर का मजर वेलोसिटी क्या है, वो है 107 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द कैजुअलिटी एरिया ऑफ 51 मोटर HEBM, 51 मोटर का जो HEBM होता है उसका कैजुअलिटी एरिया कितना होता है, कैजुअलिटी एरिया कितना होता है उसका, 11 मीटर ऑल राउंड, कितना होता है 11 मीटर ऑल राउंड, कैजुअलिटी एरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, 11 मीटर चारों तरफ होता है कैजुअलिटी एरिया 51 मोटर के HEBM का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ 51 मोटर स्मोक बम, 51 मोटर के देखिए अगर मोटर का रेंज पूछा जाए तो वो 1080 है, लेकिन यहाँ स्मोक बम का दिया है, ठीक है, स्मोक बम का रेंज होता है 850 मीटर, कितना होता है मैक्सिमम रेंज 850 मीटर स्मोक बम का। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम स्मोक बम ऑफ 51 मोटर गिव्स स्मोक, धुआं कितने मिनट तक देता है स्मोक बम, 51 मोटर का जो स्मोक बम होता है 2 मिनट तक धुआं देता है, कितने मिनट तक देता है धुआं, ये आंसर होगा सही, 2 मिनट तक धुआं देता है, ठीक है। आप भी FPT में जो है देते होंगे, समझ गए, व्हाट इज़ द इल्यूमिनेशन टाइम ऑफ 51 मोटर इलूबम, 51 मोटर का जो इल्यूबम होता है वो कितना सेकेंड तक जो है इल्यूमिनेट होता है, वो होता है 40 सेकेंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, देखिए ये पूरा वीडियो देख लीजिए, व्यापन में आपको कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए व्यापन का 2500 क्वेश्चन रहेगा तो 2500 क्वेश्चन पक्का ठोक के आइएगा, अगर मेरा मतलब ये वीडियो देख लिए हैं तो, ठीक है, और पूरा पूरा थोकने के लिए जो 25 का 25 टिक लगाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जो थ्योरिटिकल टर्म है उसको। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डाउनफॉल ऑफ इल्यूबम ऑफ 51 मोटर, देखिए 51 मोटर जो होता है इल्यूबम आप फायर करते होंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो किस वेव से गिरता है, किस गति से गिरता है, वो गिरता है 3 मीटर पर सेकेंड, कि 3 मीटर पर सेकेंड, आंसर नंबर ए सही है, ठीक है, आंसर ये ए सही है, 3 मीटर पर सेकेंड। फायर ऑफ 51 मोटर कैन बी डन ऑफ हाउ मैनी पोजिशन, 51 मोटर से फायर कितने पोजिशन से किया जाता है, तो ये देखिए 51 मोटर से कितने पोजीशन फायर किया जाता है, 2 पोजीशन से, कौन कौन पोजीशन से फायर किया जाता है, 2 पोजीशन से 51 मोटर से 2 पोजीशन से फायर किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इल्यूबम ऑफ 51 मोटर, इल्यूबम का रेंज कितना होता है, इल्यू होता है 900 मीटर, मैक्सिमम रेंज कितना होता है इल्यूबम का, 900 मीटर। मैक्सिमम रेंज ऑफ 51 मोटर विथ मार्क वन, देख लीजिए अभी यहाँ पर आ गया मार्क वन में, मोटर में आपको उलझा देगा इसलिए आप सतर्क रहिए। 51 मोटर जो है मार्क वन में आपका रेंज हो जाएगा 850 और मार्क टू में कितना हो जाएगा, इसमें एमिनेशन की क्वालिटी दे देगा तो उसमें भी चेंज होता है, ठीक है, जो आपको थ्योरिटिकल वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताए थे, थ्योरी वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए
मैक्सिमम रेंज ऑफ 51 मोटर कितना होता है? वो 850 मीटर होता है मार्क वन में, मार्क वन में मैं बता रहा हूँ, मार्क वन में 850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनेशन यूज इन 51 मोटर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनेशन यूज इन 51 मोटर? 51 मोटर में जो है कितने प्रकार के एमिनेशन यूज किया जाता है? तो वो प्रकार का, चार प्रकार का एमिनेशन यूज किया जाता है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 51 मोटर का जो है नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 8 राउंड्स पर मिनट। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 51 मोटर? 51 मोटर का जो है नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? 8 राउंड्स पर मिनट। व्हाट इज कैजुअल्टी एरिया ऑफ एचई बम ऑफ 51 मोटर? अभी देखिए यहाँ पे आ गया 51 मोटर का कैजुअल्टी एरिया कितना हो जाएगा? 11 मीटर ऑल राउंड। कितना हो जाएगा? 11 मीटर ऑल राउंड कैजुअल्टी एरिया 51 मोटर का। व्हिच गैस इज यूज टू इल्यूमिनेट रेंज स्केल ऑफ साइट ऑफ मोटर? जो आप मान रहे हैं कि कौन सा गैस जो है इल्यूमिनेट किया जाता है, जो 51 मोटर आप देखते होंगे ना, 51 मोटर का साइट अगर आप देखे होंगे तो उसमें जो है आप देखते हैं रात में भी वो साइट चमकता है, साइट आपको चमकेगा, हर एक अक्षर दिखाई देगा उसमें आपको, ठीक है, तो चमकता है। तो उसमें जो है कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? टाइटेनियम गैस। टाइटेनियम गैस के कारण ही वो साइट चमकता है, अंदर में टाइटेनियम गैस रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 मोटर का जो है अपना वो साइट होता है उसमें टाइटेनियम गैस रहता है, जिसके कारण वो एल्यूमिनेट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैजुअल्टी एरिया ऑफ नंबर 36 हैंड ग्रेनेड? कैजुअल्टी एरिया कितना होगा? 9 यार्ड्स ऑल राउंड। कैजुअल्टी एरिया कितना हो जाएगा इसका, जिसको बोलते हैं आप मार डालने का इलाका, कैजुअल्टी एरिया मार डालने के इलाका 9 वाट्स 36 हैंड ग्रेनेड कैजुअल्टी एरिया हो जाएगा 9 गज चारों तरफ, ठीक है। द नेम ऑफ प्रोपेलेंट यूज इन डिटोनेटर ऑफ नंबर 36, जो 36 हैंड ग्रेनेड में डिटोनेटर यूज किया जाता है ना, डिटोनेटर यूज किया जाता है वो कौन सा है? वो होता है टेट्राइल वन। टेट्राइल वन क्या होता है? टेट्राइल वन प्रोपेलेंट यूज करता है डिटोनेटर में, 36 हैंड ग्रेनेड के प्रोपेलेंट यूज करता है टेट्राइल वन। व्हिच डिटोनेटर इज यूज इन नंबर 36 एचई ग्रेनेड? नंबर 36 एचई ग्रेनेड में कौन सा डिटोनेटर यूज करता है? वो कहता है नंबर 27 हैंड ग्रेनेड में, जो है नंबर 36 हैंड ग्रेनेड में नंबर 27 डिटोनेटर यूज किया जाता है। हाउ मच टाइम ट्री फ्लेयर गिव्स लाइट? आपको बहुत बार बता चुका हूँ थ्योरिटिकल क्वेश्चन में भी, जो ट्री फ्लेयर लाइट देता है 30 से 40 सेकेंड देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री फ्लेयर कितना सेकंड तक लाइट देता है? 30 से 40 सेकंड। नंबर 80 ग्रेनेड इज यूज फॉर व्हिच पर्पज? नंबर 80 ग्रेनेड यूज किया जब ट्रेनिंग करते होंगे ना, तो नंबर 80 ग्रेनेड फोड़ा जाता है किस लिए? वो धुआं करने के लिए। किस लिए किया जाता है? धुआं करने के लिए। धुआं क्यों किया जाता है? दुश्मन से छुपने के लिए, अपना मूवमेंट छुपाने के लिए। बायपार्ट ऑफ SSG इज मेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? SSG का मतलब होता है स्नैप शूटिंग गन, जिसको आप बोलते हैं कि स्नाइपर गन, वो USA का बना होता है, उसका बायपार्ट। द बैरल ऑफ व्हिच वेपन इज मेड फ्रॉम कोल्ड फ्रीजिंग सिस्टम? बैरल जो होता है वेपन का कोल्ड फ्रीजिंग सिस्टम में किसका बना होता है? वो होता है SSG। SSG 69 का जो बैरल बना होता है वो कोल्ड फ्रीजिंग सिस्टम के तहत बनाया होता है। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग ऑफ द बैरल द बुलेट विल हीट ऑन द टारगेट एट व्हिच प्लेस? मान लीजिए आपका राइफल का बैरल गर्म हो गया, बैरल अगर गर्म हो जाता है, काफ़ी बैरल गर्म हो गया, तो राइफल का जो बुलेट है वो कहाँ पे हीट करेगा? वो पॉइंट ऑफ एम से जो नीचे हीट करेगा। कहाँ पे हीट करेगा? बैरल गर्म हो जाता है तो मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ एम है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एम है, तो इससे बैरल नीचे हीट करेगा, ठीक है। अब क्यों हीट करेगा वो थ्योरिटिकल में बता रखे हैं आपको। विथ इंक्रीजेज इन रेंज द ग्रुप साइज विल, अब मान लीजिए अगर रेंज बढ़ता है राइफल में फायर करने जाते हैं, तो अगर रेंज बढ़ रहा है 100 से अब 200 मीटर पर चले गए, तो ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेंज बढ़ेगा तो आपका ग्रुप बढ़ेगा, 700 पे जाएगा तो ग्रुप भी आपका चौड़ा बनता चला जाएगा, ठीक है, और जब नज़दीक आएंगे तो क्या होगा? ग्रुप घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमोंग द फ्लोइंग व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइंडिंग MPI? इसमें दिया गया चारों क्वेश्चन, इसमें से कौन जो है MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है, MPI का मतलब होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, किस विधि, मतलब ये चारों विधि में से कौन MPI निकालने का विधि नहीं है?
तो जो है एरर चेसिंग मेथड जो है ये आर्क मेथड, एक्सिस ऑफ डिस्पर्सल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सभी MPI निकालने का मेथड है, और सॉरी एरर चेसिंग मेथड जो है ये नहीं है। ग्रुप फॉर्मेट ड्यू टू रॉन्ग साइट अलाइनमेंट। अब मान लीजिए अगर साइट अलाइनमेंट आपका सही नहीं है तो कौन सा ग्रुप बनेगा, वो बनेगा लॉन्ग वर्टिकल ग्रुप। कौन बनेगा? लॉन्ग वर्टिकल ग्रुप। ग्रुप फॉर्मेट ड्यू टू रॉन्ग साइट अलाइनमेंट, अगर आपका जो है साइट अलाइनमेंट गलत है तो लॉन्ग लंबा वर्टिकल ग्रुप बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ड्यू टू रॉन्ग ट्रिगर ऑपरेशन जर्क द बुलेट विल हिट ऑन द टारगेट इन हुच डायरेक्शन। अब मान लीजिए आप ट्रिगर ऑपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं दुरुस्त पकड़ दुरुस्त शिस्त दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, तो आप दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो बुलेट जो झटका मारेगा आपका राइफल जो झटका मारेगा तो बुलेट कहाँ पर हिट करेगा, वो करेगा 4 बजे की लाइन में। कितना बजे की लाइन में? 4 बजे। जैसे मान लीजिए टारगेट इस प्रकार का है, 4 कहाँ पे बजेगा? यहाँ पे बजेगा 4, इस लाइन में करेगा इस प्रकार से, ठीक है। 4 बजे की लाइन में आपका जो है बुलेट ये हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ग्रुप। शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ग्रुप इज फॉर्मेड ड्यू टू व्हिच मिस्टेक। जो आप फायर करने जाते हैं तो छोटा हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो बनता है, जिस किस प्रकार इस प्रकार लाइनिंग टाइप का बनता है, आपको बता दूँ इस प्रकार का लाइनिंग टाइप का बनता होगा। मान लीजिए टारगेट है शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ग्रुप, छोटा हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो बनता है वो किसे कारण बनता है, वो साइट पिक्चर, आपको पता होना चाहिए साइट पिक्चर किसे कहते हैं, साइट अलाइनमेंट किसे कहते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज इज डन फॉर इम्प्रूवमेंट इन साइट अलाइनमेंट। जो ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज, ब्लैंक जो है ना, ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज, ठीक है, इज डन फॉर इम्प्रूवमेंट। ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज किसके इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, आपका साइट अलाइनमेंट सही बने इसलिए ब्लैंक टारगेट एक्सरसाइज किया जाता है। इन एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फायरर एंड कोच। अब एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज क्या होता है, वो फायर आपकी फायर दुरुस्त करने के लिए एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है डिस्टेंस और जो बॉक्स और कोच का डिस्टेंस होता है कितना होता है, एमिंग बॉक्स एक्सरसाइज में फायरर और कोच, फायरर और कोच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 12 मीटर। फायरर 12 मीटर पे होता है, उसका कोच होता है, फायरर और कोच के बीच 12 मीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द एंगल बिटवीन लाइन साइट एंड लाइन ऑफ एलिवेशन। देखिए नेम ऑफ एंगल बिटवीन लाइन साइट, लाइन साइट और लाइन एलिवेशन के बीच के कोण क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ गैस एस्केप हॉल ऑफ इंसास सीरीज। जो होता है इंसास सीरीज में जो गैस भागता है, ठीक है, गैस भाग जाता है होल के थ्रू, उसको क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट टू एटमोसफेयर, एग्जॉस्ट टू एटमोसफेयर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वेपन वर्क्स ऑन डिलेड ब्लो बैक ऑपरेशन। ये होता है ब्लो बैक ऑपरेशन पे 7.62 mm गन काम करता है, अभी भी 7.62 mm गन है, सभी जगह हटा नहीं है, ठीक है। व्हेन बुलेट इंटर्स इन टारगेट एंड डज नॉट कम्स आउट इट इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई बुलेट टारगेट में जो है गया है लेकिन टारगेट से बाहर नहीं गया है तो उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन। जब बुलेट टारगेट में इंटर कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। व्हेन बुलेट इज इन एयर द फोर्स व्हिच क्रिएट्स ऑब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड। देखिए जब बुलेट है एयर हवा में हो और फोर्स व्हिच क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन, जब बुलेट हवा में हो और हवा उसके मतलब डिस्ट्रैक्ट पैदा करता हो तो उसको क्या बोलते हैं, फोर बॉडी ड्रैग, जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है उसको बोलते हैं फोर बॉडी ड्रैग, ठीक है। मतलब टारगेट में हिट करने से पहले जो हवा और बुलेट के बीच जो संघर्ष होता है उसको बोलते हैं फोर बॉडी ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वेपन इज ओपन बोल्ट ऑप्शन। ये 9 mm CM हट गया है, इसको आप इग्नोर करके चलिए, इसमें जो है ये आ गया है डाटा, ठीक है। मिनिमम सेफ्टी एंगल डिग्री इन ऑटोमेटिक वेपन, ऑटोमेटिक वेपन में सेफ्टी एंगल कितना लेना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 डिग्री का। कितना डिग्री का होना चाहिए सेफ्टी एंगल, 5 डिग्री का। क्यों लेना चाहिए, एक मोर्चा से दूसरे मोर्चा के बीच सेफ्टी एंगल 5 डिग्री का होता है, ठीक है। देखिए मिनिमम सेफ्टी एंगल जो होता है 5 डिग्री, सेफ्टी एंगल कब ले जाते हैं, ये LMG को फिक्स लाइन लगाते समय सेफ्टी एंगल लिया जाता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, मैं बताया था थ्योरी वाले में, ठीक है, सेफ्टी एंगल कब लेते हैं, कितना डिग्री का लेते हैं, सब बताया हूँ।
आपको अगर नहीं जानकारी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। मिनिमम सेफ्टी एंगल डिग्री इन ऑटोमेटिक वेपन कितना होता है, 5 डिग्री का होता है। विथ इंक्रीजेज इन रेंज द डेंजरस स्पेस विल, अब मान लीजिए आपका रेंज बढ़ रहा है, डेंजरस स्पेस कितना होगा, कम होगा। डेंजरस स्पेस मतलब क्या होगा, खतरनाक इलाका कम होगा। आप मान लीजिए 800 मीटर पर जाएगा तो डेंजरस स्पेस कम होगा ना भाई, तो डिक्रीज होगा। अगर रेंज बढ़ता है तो डेंजरस स्पेस क्या होता है, डिक्रीज होता है, जस्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका। कल्मिनेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज समिट, आप कल्मिनेटिंग पॉइंट उस्ताद से बहुत सुने होंगे, कल्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, तो वो जो होता है वो समिट होता है, उसको बोलते हैं समिट भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द गैप कैप्ट बिटवीन ईच फायरर एट फायरिंग पॉइंट, जो होता है देखिए फायरिंग पॉइंट पे जो है एक फायर से दूसरे फायर के बीच स्टैंडर्ड गैप दिया गया है, स्टैंडर्ड एसओपी के अनुसार गैप दिया गया, वो होता है 12 फीट का। एक फायर से दूसरे फायर के बीच 12 फीट का गैप होना चाहिए। कागज़ ये बोलता है, ग्राउंड में जो भी हो वो मेरे को पता नहीं, लेकिन कागज़ में बोलता है 12 फीट एक फायर से दूसरे फायर के बीच गैप। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टॉप बट फ्लैग, स्टॉप बट फ्लैग जो होता है ना आपको पता, सॉरी, व्हाट इज द, गला सूख जाता भाई, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पूरा मटेरियल में पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं एग्जाम में। आप ये ना बोलें कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया था, आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी गलती है। मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल ला के दूँ और आप उसको पढ़ें, देखें, वीडियो देखें और समझें। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्टॉप बट फ्लैग, जो स्टॉप बट फ्लैग का मेजरमेंट कितना होता है, वो होता है 6x6 फीट। स्टॉप बट जो बट के ऊपर सबसे देखते हैं, सबसे ऊपर में झंडा लगा रहता है, ठीक है, वो होता है 6x6 फीट। स्टॉप बट फ्लैग का मेजरमेंट होता है 6 फीट। द साइज ऑफ एमिंग मार्क एट द रेंज ऑफ 100 मीटर कितना होता है, 100 मीटर पे एमिंग मार्क का जो होता है साइज कितना होना चाहिए, 4.5x3 इंच ये होता है, ठीक है। तो ये था आज का 73 क्वेश्चनों का ये सीरीज। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो दोस्तों पक्का लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन भी बेझिझक पूछ सकते हैं, नेक्स्ट सीरीज भी लेके आएंगे। जितना भी आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा सारे का एक सैम्पल सेट मैं लेके आऊँगा, मॉडल सेट, और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, पूरा डिटेल्स नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।